हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली न्यूज़ है नेस्टी निंजा की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों नेस्टी निंजा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कॉलिंग ऑल इलस्ट्रेटर्स ग्राफिक डिजाइनर्स फॉर माय अपकमिंग एल्बम एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स DM इफ यू थिंक यू डोप लेट्स गो। तो अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनर्स हो या फिर अगर किसी को जानते हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करो यार नेस्टी निंजा से, और शायद आप लोगों को चांस मिल जाए उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में वर्क करने का। तो DM कर सकते हो आप लोग नेस्टी निंजा को। तो अगली न्यूज़ है एमिवे बंटाई की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों एमिवे बंटाई का सीधा टेकओवर गाना आउट हो चुका है, जिसकी बीट दी है फ्लैम बॉय ने, और जैसे कि बोल रहे थे कि डिस्ट्रैक हो सकता है तो ये डिस्ट्रैक ही है, एक तरीके से बोल सकते हैं। डायरेक्ट डिस नहीं करा है, उन्हीं के लिए है, मतलब कि कृष्णा और रफ्तार के लिए ये ट्रैक है। अगर आप लोग ध्यान से सुनो गाना जाके तो दोनों के लिए ये बहुत सारी लाइंस कही गई है इस गाने में, कृष्णा के लिए भी। लास्ट अगर आप वर्स सुनोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कृष्णा के लिए बहुत कुछ कहा गया है, और शुरू के वर्स में रफ्तार के लिए कहा गया है, और जो कोरस है उसमें भी बहुत सारी ऐसी लाइंस है जो कि यार डिस्ट्रैक टाइप की ही है। तो जाके सुनो यार अगर आप लोगों ने अभी तक ये गाना नहीं सुना है। तो गाने का नेम है सीधा टेकओवर। तो आगे देखते हैं यार रफ्तार और कृष्णा इस चीज़ का रिप्लाई देते हैं कि नहीं। तो अगर आया रिप्लाई तो डिस गेम वापस से ऑन हो जाएगा। तो सारी न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और जाके सुनो यार, नीचे गाना आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगली न्यूज़ यार गानों की तरफ से आ रही है। तो पहला गाना जो इसका नाम है अस्तागफर बाय फरहान खान फीचरिंग सैबर टूथ, और ये जो सॉन्ग है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एनर्जेटिक है, लिरिक्स बहुत ही हार्ड है और बहुत ही अच्छा लिखा है भाई ने गाना, और सैबर टूथ ने भी बहुत ही अच्छी क्रम्पिंग करी है और उसकी वजह से यार वीडियो में बहुत ही जान आ गई है। तो गाना बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत पसंद आया, लिरिक्स बहुत ही हाई फाई है, मतलब कि बहुत बहुत अच्छे लिरिक्स है। मैं ये चीज़ बहुत ही कम सॉन्ग्स के लिए बोलता हूँ, पर ये सॉन्ग डिज़र्व करता है अच्छे खासे व्यूज़। तो जल्दी से जाके देखो ये गाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो अगला गाना जो उसका नाम है सिप बाय लोका संग द रिश, और ये वाला गाना भी बहुत ही अच्छा है, लिरिक्स बहुत ही अच्छे इस गाने के, और कमर्शियल ट्रैक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये गाना, लिरिक्स भी बहुत अच्छे लिखे, लोका का रैप भी बहुत अच्छा है और वाइब्स बहुत ही अलग है इस गाने की। आप जो डेली सॉन्ग सुनते हो उससे बहुत ही अलग टाइप का सॉन्ग है और मुझे भी बहुत ही अलग लगा, वीडियो भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग जाके सुन सकते हो, इसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला गाना है जो उसका नाम है पब्लिक को क्या चाहिए बाय एम टाउन ब्रेकर्स, और ये धारावी का क्रू है जहाँ तक मुझे पता चला है, और बहुत ही अच्छा गाना है यार ये, 8 मिनट का ट्रैक है और 3 मिनट तक आप लोग को इंट्रो मिलेगा और उसके बाद से सॉन्ग चालू होता है, और जो सॉन्ग है यार सच्ची में बहुत ही अच्छा गाना है और डिस्ट्रैक्ट टाइप का आप लोग बोल सकते हो, पर डिस्ट्रैक्ट नहीं है। सारे रैपर्स को रिप्लाई है और लोगों को भी रिप्लाई जो हिप हॉप सुनते हैं कि डिस्ट्रैक को ज़्यादा पसंद मत करो, नॉर्मल जो हिप हॉप एक्चुअल जो होता है वो सुनो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। इसमें 4 रैपर्स हैं यार इस क्रू में, पहला है MC लिल वाइट, 2nd MC पट, 3rd MC रैक्स, और 4th जो उसका नाम है नील जी, और बहुत ही अच्छा गाना मुझे तो लगा है, आप लोग जाके सुन सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दो, पड़ोस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।